हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अब नेक्स्ट आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव तीनों रिलेशन कंबाइन करके एक क्वेश्चन निकलता है 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में, तो आप बहुत ही केयरफुल इसको पढ़ें। ये श्योर है इतना पढ़ने के बाद आपको सिमेट्रिक रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही ईजिली आप मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देख लेते हैं आपका सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ सिमेट्रिक क्या होता है, देखिए, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पर आपको एक सेट के बने ए, वो क्या आपका नॉन एम्प्टी सेट, एंड आर इज ए रिलेशन, इज ए रिलेशन, आर क्या एक रिलेशन, वो क्या सेटिस्फाई करता है। अगर आपका रिलेशन ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी कोमा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, अगर आपका रिलेशन ये सेटिस्फाई कर दें कि उसके अंदर रिलेशन के अंदर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका अपोजिट अगर देखें बी कोमा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इट मीन्स वो क्या होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो आपने क्या देखा, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करूँगा जहाँ से आपको पता लग जाएगा। लेट ए सेट कंटेन 1, 2 and 3 एंड आर इज ए रिलेशन कंटेन 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, इतना ही देख लेते हैं बस यहाँ पर, बाकी आपको अच्छे से पता लग जाएगा। अब मुझे चेक करना है सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो 1, 1 इक्वल वाले की बात करें तो ये सारे क्या होते हैं सिमेट्रिक केस में आते हैं, लेकिन मुझे क्या चेक करना है ए बी। अब अगर सपोज मैंने यहाँ से लिया 2, 3 बिलोंग्स टू आर, देखिए 2, 3 क्या रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो आप देखा 2, 3 रिलेशन के अंदर है, तो आप लिखते 2, 3 बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज इसका अपोजिट क्या आएगा 3, 2 3, 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो आपने क्या देखा, अगर मैं इस ऑर्डर पेयर के लिए चेक करता हूँ, मैं 2, 3 के लिए चेक करता हूँ, तो 2, 3 इसके अंदर है, इसका अपोजिट 3, 2 भी इसके अंदर है, तो इट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर मैं नेक्स्ट चेक करूँगा 1, 3 बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज 3, 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब देखिए, अब मैंने क्या देखा 1, 3 बिलोंग्स टू आर, इसका अपोजिट क्या होना चाहिए 3, 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब क्या इसमें 3, 1 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, तो आप यहां पर बिलोंग्स टू लगा सकते हैं, कट लगाएंगे यहां पर, तो आप लिखेंगे 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 3, 1 भी इसके अंदर होता तो सिमेट्रिक रिलेशन होता, लेकिन 3, 1 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब इस पेयर के लिए चेक करें तो सिमेट्रिक है, इस पेयर के लिए सिमेट्रिक नहीं है, तो आप इसे क्या बोलेंगे सिमेट्रिक है या नहीं। तो अगर आपका एक पेयर इसमें ऐसा भी आ गया, कोई भी एक पेयर ऐसा आ गया जो सिमेट्रिक शो नहीं कर रहा, तो इट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आपने देखा इसके लिए सिमेट्रिक है, इसके लिए सिमेट्रिक नहीं है, तो आप इस होल पार्ट क्या बोलेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक। अगर एक भी पेयर के लिए ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, बाकी मान लो बहुत सारे पेयर के लिए सिमेट्रिक हो रहा है, लेकिन एक पेयर ऐसा आ गया जिसके लिए सिमेट्रिक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो आप ये समझे शॉर्ट में, जो भी आपने पेयर चेक किया, सपोज ये चेक किया 2, 3 इसका अपोजिट होना कंपलसरी है, ये चेक किया इसका अपोजिट होना कंपलसरी है, और अगर नेक्स्ट होता तो जितने हम सभी पेयर को चेक करते हैं सभी का रिवर्स होना चाहिए। अगर ए कोमा बी है तो उसमें बी कोमा ए भी होना कंपलसरी है, तभी क्या होगा आपका सिमेट्रिक होगा। जितने पेयर हैं सारे पेयर को आप चेक करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, इसके कुछ टाइप आते हैं जिसको आपको देख से पता लग जाएगा सिमेट्रिक होता क्या है। मैं आपने यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल सेट करता हूँ, सपोज आर वन ये सेट, लेट ये सेट कंटेन 1, 2 and 3, आर वन इज ए रिलेशन कंटेन 1, 2 and 2, 1। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, आपको देखते पता लगना चाहिए कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। आर टू एक रिलेशन के बन आपको, सपोज मैं लिख दिया 1, 1, 1, 2, 2, 1 and 2, 3। आर थ्री एक रिलेशन लिख दिया मैंने 1, 1, 2, 2, 3, 3 and 1, 3। आर फोर एक मैंने एक रिलेशन लिख दिया, आर फोर यहाँ पर मैं लिख दिया 1, 1 और सपोज मैं लिख दिया 2, 3, 3, 2
वन थ्री एंड थ्री वन, ये मैंने चार रिलेशन में यहाँ पर मैं एग्जांपल सेट किए मैंने, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, जितने भी आपने आर वन आर टू आर थ्री आर फोर सेट किए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, ए क्रॉस ए के क्या होंगे, सबसेट होंगे। अगर आप ए क्रॉस ए करेंगे तो वहां से क्या बनेगा आपका, ए क्रॉस ए करते हैं तो वहां पर क्या आएगा, इनके नाइन ऑर्डर पेयर बनेंगे वहां से। और नाइन, अब देखो जितने ये पेयर हैं सारे क्या ए क्रॉस ए में सारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो जित आपने चेक किया जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सारे किसके हैं, ए क्रॉस ए के हैं। तो इट मीन आर वन आर टू आर थ्री आर फोर ये सारे सारे किसके सबसेट हैं, ए क्रॉस ए के। अगर ये सभी इसके सबसेट हैं ए क्रॉस ए के, तो इट मीन्स ये इसके रिलेशन भी हैं। अब मुझे चेक करना कौन सा रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, तो मैं कैसे चेक करते हैं, पहले मैं चेक करूँगा वन टू, तो मैंने देखा वन और टू इसका अपोजिट क्या है, टू वन, अपोजिट भी इसके अंदर है। आपने देखा 1.2 इसके अंदर है, इसका पॉइंट क्या होगा 2.1 भी इसके अंदर है, तो इट मींस ये क्या होगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट चेक करूंगा इक्वल वाले सारे क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। अब मैं चेक करूंगा 1.2 इसके अंदर है, इसका अपोजिट क्या होगा 2.1, ये भी इसके अंदर है तो ये क्या होगा सिमेट्रिक। लेकिन मैंने क्या चेक किया 2.3, अब देखो 1.2 2.1 इसमें बिलोंग कर रहा था, यहां तक सिमेट्रिक है। लेकिन अगला पार्ट क्या चेक करूंगा मैं 2.3, सारे पार्ट चेक करते हैं हम। मैंने चेक किया 2.3, इसका अपोजिट क्या हुआ 3.2, क्या 3.2 आपको इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ लगा देंगे क्रॉस, क्यों नहीं है, आप रीजन देना चाह दे सकते हैं, 2.3 बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज 3.2 नॉट बिलोंग्स टू आर। अब आपने क्या देखा 2.3 बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज 3.2 Not belongs to R, इसलिए क्या नहीं आपका symmetric नहीं है। अगला पार्ट चेक करेंगे 1.1 2.2 3.3, यहाँ तक चेक करेंगे ये क्या आपका symmetric है, क्योंकि 1 की इमेज क्या बन रही है 1, और 1 की प्रीमेज भी क्या बनेगी 1। अब इक्वल वाले के लिए देखें 1.1 2.2 3.3, तो यहाँ तक आपका symmetric है। लेकिन अगला क्या आ गया आपका 1.3, इसका अपोजिट क्या आएगा 3.1, क्या 3.1 इस रिलेशन में आ रहा है, आपको देख रहा है कहीं 3.1 इसमें नहीं है, तो इट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट आपका आएगा फोर्थ रिलेशन वाला, जो चेक करते हैं 1.1 इसके अंदर है, यहाँ तक सिमेट्रिक है। 2.3 ले लिया, 2.3 का अपोजिट क्या है 3.2, यहाँ तक भी आपका सिमेट्रिक शो कर रहा है। नेक्स्ट आपका है 1.3, इसका अपोजिट क्या हुआ 3.1, यहाँ भी है, तो आपने कहा यहाँ पर सभी का ऑर्डर पेयर है, 2.3 का क्या हो गया 3.2, 1.3 का 3.1, तो इट मीन्स ये आपका हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। तो आप लोगों को पता लग गया होगा सिमेट्रिक चेक कैसे करते हैं, तो आप इतना ये समझे शॉर्ट में, आपको जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, आपको जितने भी ऑर्डर पेयर गिवन है सारे के सारे ऑर्डर पेयर वन बाय वन आपको चेक करने हैं। तो फर्स्ट वाला एक और पेयर ले लिया आपने, चेक करना है कि उसका अपोजिट 1.2, तो 2.1 उसके अंदर है या नहीं है। फिर नेक्स्ट पेयर चेक करेंगे, जैसे सपोज 3.2 आ गया, उसका अपोजिट क्या हुआ 3.2, आपको सारे के सारे पेयर चेक करने, सभी का अपोजिट होना कंपलसरी है। अगर एक भी पेयर ऐसा आ गया जिसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है उसमें, तो इट मीन्स आपका सिमेट्रिक नहीं है। जैसे आपने देखा कि 3-4 पेयर तो आपको मैच कर गए, लेकिन एक पेयर ऐसा आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स आपका उसकी वजह से वो रिलेशन क्या नहीं है आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से देखते हैं कुछ और केस हैं इसके, यहाँ से कुछ और केस देखते हैं, यहाँ से आपको पता लग जाएगा तो कैसे हम सिमेट्रिक रिलेशन चेक कर सकते हैं। फर्स्ट केस आपका नंबर वाला था, अब यहाँ से देखते हैं सेकंड केस क्या होगा। देखिए इसका मैं पहले देखता हूँ पैरेलल लाइंस वाला केस पढ़ूंगा, ध्यान समझें, बहुत ही इजी है, इतना सिंपल है, आप यकीन नहीं करेंगे कि रिलेशन जो टॉपिक आप बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं बहुत ही हार्ड है, और ये श्योर है यहाँ अगर आपने एक सही तरह पढ़ लिया तो आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा। हम पूरा सिलेबस आपको कम्प्लीटली सॉल्व कराएंगे, एक एक क्वेश्चन स्टार्टिंग से एंड तक कराएंगे, और पहले हम पूरा एनसीईआरटी कवर कराएंगे आपको, जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके जस्ट बाद हम आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, उसके अदर एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन आपको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ इसमें सिमेट्रिक के बारे में, जैसे सपोज आपसे बोल दिया ए पैरेलल टू बी, यहां पर एक गिवन है बिलोंग्स टू आर, तो यहां से क्या कह रहा है देखिए, यहां पर कह रहा है एक लाइन ए होगी, एक लाइन क्या होगी बी, अच्छा ए जो लाइन है वो किसके पैरेलल है बी के पैरेलल है, ये आपको गिवन है। तो क्या प्रूव करना है,
आपको रिवर्स करना है तो आप लिखेंगे B पैरेलल टू A, आपको उल्टा लिखना है इसमें B पैरेलल टू A। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। दोबारा देख लेते हैं, यहां पर ये कह रहा है कि दो लाइन है, फर्स्ट लाइन आपकी होगी L, सेकंड लाइन होगी, देखो यहां दो लाइन है, फर्स्ट वाली A होगी, सेकंड सपोज B होगी, तो फर्स्ट वाली लाइन होगी A, सेकंड होगी B। A जो लाइन है इस तरह देख लेते हैं, ये आपकी A लेट कर लिया मैंने, ये से आप B लेट कर लिया, तो A जो लाइन है किसके पैरेलल है? B के। तो सीधी बात है, अगर A लाइन B के पैरेलल है तो B लाइन भी क्या होगी? A के पैरेलल होगी। बिल्कुल पॉसिबल है। क्वेश्चन ने क्या बोला? A B के पैरेलल है, तो आपको उल्टा बोलना है B किसके पैरेलल है? A के। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप कर देंगे बिलोंग्स टू R, तो यहां लगा देंगे टिक। इट मींस अगर आपसे कहीं बोल दे A पैरेलल B के है या L1 L2 के पैरेलल है, तो आपको देखते पता लग जाएगा कि ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं हम, थर्ड केस आएगा आपका परपेंडिकुलर। आपसे कह रहा है ए परपेंडिकुलर टू बी, एक लाइन होगी, ये लाइन है, ये किसके परपेंडिकुलर है? बी के। परपेंडिकुलर टू बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी परपेंडिकुलर टू ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए जो लाइन है वो किसके किस परपेंडिकुलर है? बी पे परपेंडिकुलर है, और बी जो लाइन है वो किस परपेंडिकुलर? ए परपेंडिकुलर। अपोजिट देखना आपको, इतना समझिए, यहां पर क्या आता आपका ए और बी, अपोजिट क्या आएगा इसका? बी ए। चेक कर लेते हैं, सपोज ये आपकी ए लाइन हो गई और ये क्या आपकी बी लाइन हो गई। अब देखिए ए जो लाइन है बी पे क्या है? परपेंडिकुलर। बी जो लाइन है ए पे क्या है? परपेंडिकुलर। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो इट मीन्स ये क्या होगा? आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। ए किस पर पेंडिकुलर है? बी पर। बी किस पर है? ए पर। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो इट मीन्स आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहां से, थर्ड केस आपका, फोर्थ केस आगे, क्योंकि नंबर सिस्टम भी हमने ले लिया इसमें। फोर्थ आपका ग्रेटर देन और लेस देन, ए ग्रेटर देन बी बिलोंग्स टू आर। अब क्या कह रहा है? ए किससे ग्रेटर है? बी से। बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। फाइव किससे ग्रेटर है? सर मैं एग्जांपल दूंगा बाद में। ए ग्रेटर देन बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज रिजल्ट क्या चाहिए आपको? बी ग्रेटर देन ए। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइव किससे ग्रेटर है? फोर से। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि फोर किससे ग्रेटर है? फाइव से। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ये रिलेशन में आ ही नहीं सकता। तो इट मीन्स अगर आपको कहीं भी ग्रेटर देन और लेस देन वाला केस आ जाए तो समझ जाना ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि इतना हार्ड नहीं है बस। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें यही है कि थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो इसलिए बच्चे इसमें इंटरेस्ट कम दिखाते हैं, इसलिए आपको समझ में कम आता है। लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, मैथमेटिक्स में कोई टॉपिक नहीं है जो हार्ड है, बहुत ही इजी है। तो आपने क्या देखा? ए ग्रेटर देन बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ग्रेटर देन ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ये आ जाता आल्सो बिलोंग्स टू आर आता तो क्या होता? सिमेट्रिक होता। अब सीधी बात है, अगर ए बी से ग्रेटर है, ए क्या बी से ग्रेटर, तो क्या बी ए से ग्रेटर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं तो क्या लगा दिया? नॉट बिलोंग्स टू आर। रिलेशन में ऐसा हो ही नहीं सकता इसमें, तो मैंने एक एग्जांपल सेट भी कर दिया था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इट मींस ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। आपको देखते पता लग जाएगा क्वेश्चन को ग्रेटर देन लेस देन आ रहा है, सिमेट्रिक नहीं है। अब यहां पर और अगर मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास, ग्रेटर देन लेस देन हो गया। अब नेक्स्ट आएगा आपका डिविजन, ए डिविजन बाई बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी डिविजन बाई ए ए बिलोंग्स टू आर। अब चेक करना है बिलोंग, देखो मैं अभी यहां श्योर नहीं कर रहा हूं आपको कि बिलोंग डिवाइड होगा कि नहीं होगा, मैंने बिलोंग्स लगा दिया। अगर डिवाइड होगा तो बिलोंग्स टू, नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू साइन बाद में लगाऊंगा। मैं एग्जाम्पल कह रहा हूं, ए डिविजन बाई बी, ए क्या सपोज सिक्स है, सिक्स किससे डिविजन है? बी आपका आ गया, ए आपका सिक्स हो गया, डिविजन बाई बी आप ले लिया टू। अब देखिए ए क्या सपोज आपका सिक्स, बी क्या आपका टू। अब सीधी बात है, अगर सिक्स को मैं टू से डिवाइड करूंगा तो इजिली डिवाइड हो जाएगा। अब अगर मैं पूछूं क्या कि
टू डिवाइड सिक्स हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें पॉइंट में नहीं लाना है, सेम रिजल्ट दिखाना है। अब यहां पर करेगा सिक्स डिविजल बाई टू, सिक्स तो टू से डिवाइड हो जाएगा लेकिन टू सिक्स से डिवाइड नहीं होगा, तो इट मीन्स यहां पर क्या लगाएंगे आप, नॉट बिलोंग्स टू। अगर आपसे कह दिया डिविजल वाला केस आ जाए, ए किससे डिविजल है, बी से, तो बी एस डिविजल होगा, नहीं होगा, आप लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो इट मीन्स अगर आपसे कह दे कि डिविजल वाला केस आ गया, तो आप समझ जाना कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो यहाँ आप डायरेक्ट लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, आपको देखते पता लग जाएगा क्वेश्चन का, अगर डिविजल आ रहा है डायरेक्ट सिमेट्रिक नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन आ रहा है सिमेट्रिक नहीं है, परपेंडिकुलर है सिमेट्रिक होगा, पैरेलल है सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन। देखिए ब्लड रिलेशन कैसे चेक करते हैं, बहुत ईजी है ये, हालांकि सिमेट्रिक होता नहीं है, मैं इस तरह लिखता हूं, ए फादर ऑफ बी, ऑफ बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी फादर ऑफ ए। ए अब साफ साफ देख लेते, देखते पता लग रहा होगा ये क्या है क्या नहीं है, ए किसका फादर है, बी का। अगर ए फादर है बी का, तो बी क्या हो गया सन, ए क्या हो गया फादर। अब मैं कह रहा हूं बी फादर ऑफ, बी फादर ऑफ ए, अब बी देखिए ये सन है किसका, ए का। अब ए जो ए फादर है, बी सन है, सन अपने फादर का फादर हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं वो लिख दूं ए मदर ऑफ बी बिलोंग्स टू आर, ए किसकी मदर है, बी की, बिलोंग्स टू आर, एम्प्लाइज आप क्या दिखाना, जहां भी बी है वहां ए लेके आना है, तो यहां पर क्या लिखाएंगे आप, उल्टा करेंगे इसको, आप लेंगे बी मदर ऑफ ए, ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। अब देखिए ए किसकी मदर है, बी की, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ए मदर है बी की। अब बी हो सकता है इसका सन हो सकता है या डॉटर हो सकती है। अब कह रहा है बी मदर किसका है, बी मदर ऑफ ए। अब देखो बी या तो डॉटर है या सन है अपने मदर की, अपने मदर की, ये मदर हो सकती है नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या लगेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर मैं और बात करूं ए ब्रदर ऑफ बी, ये किसका ब्रदर है, बी का, ए ब्रदर ऑफ बी, बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी ब्रदर ऑफ ए, ऑफ ए, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिलोंग्स टू आर लिख देता हूं मैं अभी। अब क्या करा कि ए ब्रदर ऑफ बी, ये किसका ब्रदर है, बी का। अब देखो ए ब्रदर है बी का, तो बी श्योर नहीं है कि ये ब्रदर ही है या सिस्टर है, अब हो सकता है कि ये ब्रदर हो और ये सिस्टर हो। अब लेकिन ये कह रहा है कि बी ब्रदर ऑफ ए, बी तो देखो अब हो सकता है बी सिस्टर भी हो सकती है या ब्रदर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कन्फर्मेशन नहीं है, यहाँ कन्फर्मेशन ना हो तो क्या लगाते हैं आप, नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि ये तो ब्रदर है लेकिन बी ब्रदर हो ये श्योर नहीं, हो सकता है ये सिस्टर हो, तब भी ये क्या होगा इसका, ब्रदर होगा। तो इट मीन्स आप यहाँ श्योर नहीं है, जब आप यहाँ श्योर नहीं है तो आप समझ जाइए कि ये आपका रिलेशन भी सिमेट्रिक नहीं है। आप शॉर्ट वे में ये समझें, ब्लड रिलेशन में कुछ भी आ जाए, फादर मदर सन कुछ भी आ जाए, कैसा भी रिलेशन आए ब्लड रिलेशन, वो कभी भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता है, ये आपको पता लग गया होगा। तो अब यहाँ से थोड़ा मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ उसको, तो आपको ये पता लग गया होगा कि ये रिलेशन भी आपका सिमेट्रिक नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका सेम लोकेलिटी, सेवंथ वाला, सेम लोकेलिटी। देखिए सेम लोकेलिटी ये कह रहा है कि ए एंड बी लिव इन इंडिया। अब देखिए ए क्या रहता है, इंडिया में, ए एंड बी, ये आपका बी हो गया, ए एंड बी लिव इन इंडिया, तो सीधी बात है आपका रिजल्ट क्या देखना है, बी एंड ए, बी एंड ए लिव इन इंडिया, कैसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिलोंग्स टू आर। अब देखिए ए एंड बी कहाँ रहते हैं, इंडिया में, तो बी एंड ए भी कहाँ रहेंगे, इंडिया में, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एस इट मीन्स ये क्या होगा आपका, ये आपका अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये क्या होगा आपका, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो यहां से आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से रिलेशन आपके सिमेट्रिक होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। इनसे बाहर क्वेश्चन आपका कभी नहीं आया और ना कभी आएगा, क्योंकि इतने इनफ केस हैं इसमें। पहला तो मैंने आपको फर्स्ट केस पढ़ाया था नंबर वाला,
फर्स्ट केस पढ़ा दी मैंने आपको, नंबर्स वाला पढ़ाया था। आप सारे जितने ऑर्डर पे ना सारे ऑर्डर पे चेक करेंगे और सभी का अगर ऑर्डर पेयर उसमें मैच कर रहा है, रिवर्स अगर मैच कर रहा है तो वो क्या होगा आपका सिमेट्रिक होगा। सेकंड केस मैंने पढ़ाया आपको पैरेलल लाइंस वाला, अगर ए बी के पैरेलल है बी इसके पैरेलल होगा, अगर सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक हम चेक कर लग गए हैं, अगर आपसे बोलने लग गया कि पैरेलल वाला केस आ गया पैरेलल, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा ये आपका क्या सिमेट्रिक है, तो आप तुरंत टिक लगा देंगे। अगर आपसे आ गया परपेंडिकुलर वाला केस पूछता है तो परपेंडिकुलर सिमेट्रिक होता है यस, तुरंत आप टिक लगा देंगे यहाँ पर भी। अगर ग्रेटर देन आ गया लेस देन आ गया तब आपका सिमेट्रिक होता नहीं होता, तो आपको देखते पता लग जाएगा सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट आपका डिविजन, डिविजन वाला अगर केस आ गया तो यहाँ पर आपने क्या देखा डिविजन वाले केस में, डिविजन वाला आपका नहीं होता, तो आपको देखते पता लगेगा डिविजन आ रहा है सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट आपका है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन आपने देखा क्या ये सिमेट्रिक होता है नहीं होता, तो आप देखते पता लगेंगे ये आपका नहीं है। नेक्स्ट आपका है सेम लोकेलिटी, ये आपका होता है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली पता लगा सकते हैं कि ये रिलेशन कौन सा है कौन सा नहीं है। मैंने आपको रिफ्लेक्सिव पढ़ा दिया है, सिमेट्रिक पढ़ा दिया है, नेक्स्ट डिस्कस करूंगा आपसे ट्रांसटिप के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तीन रिलेशन है आपके, फर्स्ट आपका मैंने पढ़ा दिया रिफ्लेक्सिव, सेकेंड आपका ट्रांसटिप, सिमेट्रिक ट्रांसटिप, तीन रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको। ये तीन रिलेशन से क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट आपका आएगा रिफ्लेक्सिव, सेकंड आपका सिमेट्रिक और थर्ड आपका है ट्रांसटिप। ये तीन रिलेशन से एक क्वेश्चन बनता ही है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे रिफ्लेक्सिव भी फाइंड करवाएगा, सिमेट्रिक भी फाइंड करवाएगा और ट्रांसटिप भी फाइंड करवाएगा। अगर आपने तीनों रिलेशन बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं तो ये मान लो आपका रिलेशन आपका पूरा कवर हो गया, क्योंकि ये तीन रिलेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आपके बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी ये रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा निकलता है। तो अब मैंने रिफ्लेक्सिव पढ़ा दिया है, सिमेट्रिक पढ़ा दिया है, अब डिस्कस करूँगा मैं ट्रांसटिप के बारे में। अब ट्रांसटिप रिलेशन क्या होता है देखिए ट्रांसटिप रिलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं और इसमें कुछ केस हैं आपको मैं उनका डिस्कस करूँगा, क्योंकि नॉर्मली बच्चों एक केस स्टडी करते हैं, नॉर्मली बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एक केस स्टडी किया इनफ बस उसका हो गया। अब उसमें आपको पता है तीन केस हैं इसमें, अगर आप तीनों केस स्टडी कर लिए हैं तो ये श्योर आपको देखते पता लग जाएगा ये आपका रिलेशन ट्रांसटिप है या नहीं है। तो ध्यान से सुने, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो मैं आपको लिखना चाहूँ, देखिए क्या आएगा लेट, अब मैं यहाँ पर एक सेट कंटेन कर लेता हूँ, आपको एग्जाम्पल थ्रू समझा रहा हूँ। लेट ए सेट कंटेन 1, 2 एंड 3, तो ये यहाँ पर चेक करते कैसे हैं, तो यहाँ पर आपको एक सेट के बने 1, 2, 3, तो पहले मैं क्या निकालूंगा इसका रिलेशन निकालूंगा, मैंने रिलेशन लिख दिया ऑर्डर पेयर, क्योंकि ये जो आर जो होता है क्या होता है इसके ऑर्डर पेयर का सबसेट लेते हैं। यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया 1, 1, फिर मैंने ले लिया 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 2, इतना ही इनफ है। अब यहां पर मैं करता क्या हूं देखिए ध्यान से, ट्रांसटिप में क्या करना होता है, फर्स्ट वाले केस में स्टडी करेंगे, फर्स्ट आपका था ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यहां पर तीन सेट लेते हैं हम, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज ए कोमा सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो आपने क्या देखा फर्स्ट वाला केस कह रहा है कि अगर इसके अंदर ए कोमा बी है एंड बी कोमा सी है तो इसमें ए कोमा सी मस्ट बी, मतलब मस्ट ये मस्ट है होना चाहिए। तो आपने क्या देखा ए कोमा बी इसके अंदर है, बी कोमा सी इसके अंदर है, तो ए कोमा सी होना मस्ट है इसके अंदर। अगर ए कोमा सी नहीं होगा तो ये आपका ट्रांसलेशन नहीं होगा। आपको सारे पेयर चेक करने जरूरत नहीं, ओनली एक पेयर चेक कर लो कोई भी। अब मैं एक पेयर मैच करना चाहिए बस, अगर सपोज मैं 1, 2 ले लेता हूँ तो मैंने कह लिया 1, 2 बिलोंग्स टू आर, अब ए क्या आपका 1, बी क्या आपका 2, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अब क्या आएगा बी कोमा सी, तो बी का मीनिंग क्या है 2, तो 2 वाला कौन सा पार्ट लेता हूँ मैं, ये लेता हूँ, तो 2, 3 बिलोंग्स टू आर। ध्यान से सुने सभी, ए इक्वल टू 1 आ गया, बी इक्वल टू 2 आ गया बिलोंग्स टू आर, फिर बी कोमा सी, बी का मीनिंग क्या है आपका 2, तो 2, 3 ले लिया, तो बी का मीनिंग 2, सी का मीनिंग 3। तो नेक्स्ट क्या लेंगे रिजल्ट आपका, रिजल्ट देखेंगे आप ए कोमा सी, ए का मीनिंग क्या आपका 1, सी का मीनिंग क्या आपका 3, तो 1, 3 इसमें है तो 1, 3 बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या होता है आपका
ट्रांसटेबुलेशन होता है। आपको हो सकता है अगर मैं और कोई पेयर उठाऊंगा वो मैच ना करे, लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने क्या देखा, एक पेयर उठा लिया मैंने, 1.3 चेक किया, 1.3 क्या गया। अब देखो 1.3 चेक कर ले, कोई पेयर चेक कर सकते हैं आप, 1.2 ले सकते हैं, 1.3 चेक कर सकते हैं। अब अगर आपका इसमें एक पेयर भी अगर मैंने उठा लिया, वो पूरा पेयर उसमें इस फॉर्म में आ गया, ए बी बी सी ए सी के फॉर्म में आ गया, तब भी आप क्या होता है, ये ट्रांसटिव रिलेशन होता है। तो ये फर्स्ट वाला केस आ गया आपका, आ गया। सेकंड केस अगर बात करूं मैं, सेकंड केस में अगर आप ये कह रहा है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी तो इसके अंदर है लेकिन क्या नहीं है, बी कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, ये सेकंड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि रिलेशन के अंदर ए कोमा बी तो है, सपोज 1.2 तो है लेकिन क्या नहीं है, 2.3 इसके अंदर नहीं है। मैं सपोज यहां से गायब कर देता हूं इसको, मैंने ये गायब कर दिया सपोज सेकंड केस के लिए। अब मैंने सपोज ले लिया 1.2 तो इसके अंदर है लेकिन क्या नहीं है, 2.3 इसके अंदर नहीं है। तो आपको अगला जो केस है a.c चेक करने की कोई नीड नहीं है, आप क्रॉस लगा दें यहां पर, आपको नीड नहीं है चेक करने की। दोबारा सुने सभी ध्यान से, तो a.b बिलोंग्स टू r, a.b तो इसके अंदर है लेकिन b.c नहीं है, तो आपको a.c चेक करने की कोई नीड नहीं है। इस केस में भी ये क्या होता है आपका, ट्रांसटिव रिलेशन होता है, ध्यान रखना, ये क्या होता है आपका, ट्रांसटिव रिलेशन होता है। a.b तो है लेकिन b.c नहीं है, तो आपको ये चेक करने की नीड नहीं है, तब भी ये क्या बन जाएगा आपका, ट्रांसटिव रिलेशन होगा। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस क्या आपका, सेट में जितने भी हैं, अब आर इज ए रिलेशन कंटेन, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का ऑर्डर पेयर है 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। सेट में जितने भी एलिमेंट हैं अगर सभी का ऑर्डर पेयर है तो क्या होगा आपका, तब भी आपका होगा ट्रांसटिव रिलेशन। तो आपने क्या देखा कि सेट में जितने भी एलिमेंट हैं अगर सभी का ऑर्डर पेयर आर के अंदर आ रहा है, तो ये क्या होता है आपका, आइडेंटिटी भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांसटिव भी होता है। तो और ये अगर देखो आपने कहा ये जो रिलेशन बहुत ही पावरफुल है, तो ये क्या होता है आपका, ये केस जो आ गया, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं अगर सभी का ऑर्डर पेयर इसमें आ गया 1, 1, 2, 2, 3, 3 सभी आ रहा है, तब भी ये क्या होगा आपका, ट्रांसटिव रिलेशन होगा। तीन केस हैं, अगर आपने तीनों के सही तरह पढ़ लिया, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन या तो यहाँ से फंस जाता है या फिर यहाँ से फंस जाता है, ठीक है, ये सिंपल वाला केस बहुत कम आता है, तो इसलिए आप इन दो केस को सही तरह पढ़ लें, क्योंकि नॉर्मली हम सारे स्टूडेंट मैंने देखा नॉर्मली ओनली इसी केस की स्टडी करते हैं, फर्स्ट वाले केस की, सेकंड थर्ड तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए आपको हमने बताया था कि बहुत ही आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जितना हम पढ़ा रहे हैं अगर पूरा आपने कवर कर लिया तो ये श्योर है आपके बोर्ड के लिए और अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। तो आपको उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब और डिस्कस करता हूँ इसमें कुछ और, यहाँ पर मैं कुछ रिलेशन चेक कर लेता हूँ, क्या ये ट्रांसटिव है कि नहीं है। आर वन देखिए इसी सबसेट हैं सारे हैं, आर वन जो रिलेशन है क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। मैंने सपोज यहां लिख दिया 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड 3, 2 ये सपोज मैंने लिख दिया यहां पर। अब नेक्स्ट रिलेशन लिख दिया मैंने आर टू इज रिलेशन 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3 ये लिख दिया सपोज मैंने यहां पर। R3 रिलेशन लिख दिया मैंने आपको, R3 सपोज लिख दिया मैंने 1, 1, 2, 2 एंड 1, 3 ये चेक कर लिया सपोज मैंने, और आपको लिख दिया सपोज 3, 2 लिख दिया सपोज मैंने, ये लिख दिया यहां पर। और R4 रिलेशन लिख दिया मैंने सपोज आपको 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 अब चेक करना कौन सा रिलेशन ट्रांसटिव है कौन सा नहीं है। देखो ये इक्वल वाले तो हम चेक करते नहीं, क्योंकि ये तो केस शो करता है। पहले मैं चेक करूंगा 1, 2 तो ये क्या हो गया आपका A, ये आपका हो गया B, तो ये क्या आ गया A B, फिर बी सी क्या आएगा, देखो बी सी क्या आएगा आपका, बी सी आपका आएगा 2 और 2 आना चाहिए स्टार्टिंग, कहीं इसमें स्टार्टिंग 2 आ रहा है तो ये वाला केस नहीं हो रहा है। और कोई चेक कर लेते हैं, सपोज मैंने ये केस ले लिया, ये सपोज आपका हो गया ए और ये आपका सपोज हो गया बी, ओनली आपको एक पेयर चेक करना है, बस अगर एक पेयर भी मैच कर गया
सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तब भी क्या होगा आपका ट्रांजिटिव होगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अब देखो ए बी फिर क्या बी सी, बी क्या आपका बी आपका हो जाएगा थ्री और ये आपका हो गया सी, ए बी बी सी फिर ए सी होना चाहिए, ए क्या आपका, ए क्या आपका वन, सी क्या आपका टू, ये आ रहा है नहीं आ रहा है मैच कर रहा है तो इट मीन्स ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। मैं इसको एक काम करता हूँ एग्जाम्पल सेट कर दिखाता हूँ, देखिए सपोज आपने ले लिया वन कॉमा थ्री, वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर एंड थ्री कॉमा टू बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज वन कॉमा टू इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देखिए ध्यान से देखें, ये आपका हो गया ए, ये आपका बी, ए बी फिर आपका बी सी, बी क्या आपका थ्री, बी सी और क्या आपका ए सी। अगर मैं पहले आपको वन टू को मैं ए बी लेता तब ये आपका ट्रांजिटिव नहीं था, अब इट मीन्स अगर इस वाले ऑर्डर पेयर से चेक करूं मैं तो ये आपका ट्रांजिटिव शो नहीं कर रहा, लेकिन अगर स्टार्टिंग में इससे करूंगा तो ये मैच कर रहा है। अगर इसमें एक ऑर्डर पेयर पूरा सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को तब भी ये आपका ट्रांजिटिव होगा। आपको सारे ऑर्डर पेयर चेक करने तो नहीं, यानी कि आप पहले आपने इससे चेक किया ट्रांजिटिव है, इससे चेक किया ट्रांजिटिव नहीं है, स्टार्ट इससे चेक किया ट्रांजिटिव नहीं है, आपको सारे केस चेक करने जो होते हैं ओनली एक केस चेक करो जिससे सेटिस्फाई हो रहा हो, अगर एक केस से भी सेटिस्फाई हो गया तो ये आपका क्या होगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, लेकिन सिमेट्रिक में ऐसा नहीं था। अब ये आपका हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट आपका है वन वन तो आ रहा है इसमें, देखिए वन टू ये क्या आपका ए बी, ये आपका ए और ये आपका बी, फिर क्या करेंगे बी सी, बी क्या आपका टू, ये आपका आएगा बी, ये आपका आएगा सी, फिर क्या आएगा ए सी, ए क्या आपका वन थ्री, ये आपका ए सी, ए बी इसके अंदर आ रहा है, बी सी इसके अंदर आ रहा है, ए सी इसके अंदर आ रहा है, तो ये भी क्या आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब नेक्स्ट देखो इक्वल वाले वन वन इसके अंदर है, टू टू इक्वल वाले चेक नहीं कर रहे हैं हम। अब हमने क्या ले लिया ए बी, ए बी इसके अंदर है, बी सी इसके अंदर है, लेकिन क्या नहीं है इसके अंदर, ए सी इसके अंदर नहीं है। तो आप देखो सीधी बात है कौन सा फर्स्ट वाला केस है, ए कोमा बी इसके अंदर है, बी कोमा सी इसके अंदर है, लेकिन ए कोमा सी नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। अब ये लास्ट वाला केस क्या गया, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं आपका वन टू थ्री, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का क्या है इसमें ऑर्डर पेयर है, वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, अगर सभी का ऑर्डर पेयर इसके अंदर है तो इट मीन्स ये क्या होगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो आपने देखा होगा ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे चेक करते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। ट्रांजिटिव में आपको ओनली एक केस चेक करना जो आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तब भी ट्रांजिटिव होता है। अब सेकंड वाला केस और देख लेते हैं इसमें एक बार हम, इससे पता लग जाएगा। जैसे सपोज मैं लिख दिया आर इज ए रिलेशन कंटेन टू थ्री एंड टू टू एंड वन वन, ये ले लिया सपोज मैंने इस यहाँ से। अब मुझे क्या चेक करना, मैंने टू कॉमा थ्री चेक किया, टू कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर, 2.3 belongs to R, ये क्या आपका ए बी, फिर बी सी क्या आएगा 3 कॉमा कुछ होना चाहिए था। अब ए कॉमा बी तो इसके अंदर ए और बी, ए कॉमा बी तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है लेकिन बी कॉमा सी इसके अंदर नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए कॉमा बी तो इसके अंदर है बट क्या नहीं है, बी कॉमा सी इसके अंदर नहीं है। तो आपको अगला केस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये पता लग जाएगा ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट डिस्कस कर दूंगा इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में, ये तो पता लग गया होगा ट्रांजिटिव के बारे में कैसे हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं, बहुत ही इजी है आपका पूरा रिलेशन। अब मैं एक बात करूंगा सेम भाई फर्स्ट वाला केस, पैरेलल लाइंस ए पैरेलल गिवन आपको बी के, ए पैरेलल टू बी बिलोंग्स टू आर, बी पैरेलल टू सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई ए पैरेलल टू सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये आपने नाइन्थ क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, आपको तीन लाइन के बने फर्स्ट लाइन सेकंड और थर्ड ए बी सी, ए बी जो लाइन है देखो, ए जो लाइन है वो बी के पैरेलल है, बी जो लाइन है वो सी के पैरेलल है, तो ए किसके पैरेलल होगी, सी के पैरेलल होगी। ये आपने थ्योरम भी पढ़ी है और आपको पता भी लग रहा हो हाँ ये पैरेलल है, कैसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, तो क्या लगाएंगे टिक लगा देंगे करेक्ट का, इट मीन्स ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। सेकंड केस देख लेता हूँ मैं, पर यहाँ से सेकंड केस या थर्ड केस हो जाएगा क्योंकि नंबर सिस्टम काउंट कर ले तो थर्ड आपका आएगा ए परपेंडिकुलर टू बी, ए किस परपेंडिकुलर है बी पर, क्या ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल है, बी परपेंडिकुलर टू सी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, सी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज ए परपेंडिकुलर टू सी,
बिलोंग्स टू आर है कि नहीं चेक करेंगे। देखिए ध्यान से, तीन लाइन है, ये आपकी होगी ए लाइन पर, ये आपके बी, ये ए और बी, ए किस पर पेंडिकुलर, बी पर, बी किस पर पेंडिकुलर है, सी पर, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी, ए जो लाइन है किस पर पेंडिकुलर, बी पर, बी किस पर पेंडिकुलर, सी पर। अगर मैं इनको और आगे एक्सटेंड करता हूँ, इसे मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, क्या क्या ए जो लाइन है सी पर परपेंडिकुलर है, आपको दिख रहा होगा ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ही परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि ये तो इसके पैरेलल है, कैसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इट मीन्स ये आपका ट्रांसटिव रिलेशन नहीं है। आप देखते पता लगा लेंगे, अगर परपेंडिकुलर वाला केस आ गया तो आप समझ जाइए कि ये आपका परपेंडिकुलर वाला केस ट्रांसटिव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आपका फोर्थ केस है, ग्रेटर देन लेस देन, ए ग्रेटर देन बी बिलोंग टू आर, बी ग्रेटर देन सी एंड बी ग्रेटर देन सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। ए किससे ग्रेटर है, बी से, बी किससे ग्रेटर है, सी से, तो आपको अच्छे से पता है ए किससे ग्रेटर होगा, सी से होगा, सीधी बात है, बिलोंग्स टू आर, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा समझिए। एट किससे ग्रेटर है, सिक्स से, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सिक्स किससे ग्रेटर है, फोर से, बिलोंग्स टू आर, तो सीधी बात देखो, ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ए किससे ग्रेटर है, बी से, बी किससे ग्रेटर है, सी से, तो ए क्या होगा आपका एट, सी क्या आ गया फोर, तो एट आपका फोर से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सभी को पता होगा कि एट आपका फोर से ग्रेटर है, कैसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये क्या होगा आपका ट्रांसटिव रिलेशन हो जाएगा। अगर आपको ग्रेटर देन और लेस देन वाला केस आ जाए, मैंने डायरेक्ट एक ही केस लिखा है, ग्रेटर देन लेस देन, और लिखना हो तो ए लेस देन क्या है आपका बी बिलोंग्स टू आर, बी लेस देन सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ए लेस देन सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ग्रेटर देन आ जाए या लेस देन आ जाए तो क्या होता है आपका ट्रांसटिव होता है। नेक्स्ट आपका आएगा फिफ्थ डिविजन, ए डिविजन बाई, शॉर्ट लिखता हूँ थोड़ा, डिविजन बाई बी बिलोंग्स टू आर, बी डिविजन बाई सी बिलोंग्स टू आर, एम्प्लाइज ए डिविजन बाई सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब देखिए क्या कह रहा है, ए किससे डिविजन है, बी से, बी किससे डिविजन है, सी से, तो ए किससे होगा, सी से होगा, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 12 हो गया, ए आपका अगर 12, 12 किस डिविजन है, 6 से, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब आप बी क्या आपका 6, सी का लेट कर लो आप 2, अब देखिए 12 किस डिविजन है, 6 से, 6 किससे, 2 से, तो अब देखिए ए सी, ए क्या आपका 12, क्या 12 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इट मीन्स ये आपका जो रिलेशन है क्या होगा आपका ट्रांसटिव रिलेशन होगा। अगर आपसे डिविजन वाला केस आ जाए तो आप समझ जाना कि ये आपका क्या होता है ट्रांसटिव होता है। आप यहाँ पर टिक राइट लगा लें, राइट का साइन। नेक्स्ट आपका आएगा ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, देखिए ब्लड रिलेशन में क्या आता है आपको पता ही है, ए फादर ऑफ बी, ए किसका फादर है, बी का, बिलोंग्स टू आर, बी फादर ऑफ ए, बी फादर ऑफ सी लिख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा स्टेप नीचे लिखेंगे थोड़ा सा, देखिए ए फादर ऑफ क्या है, बी, ए किसका फादर है, बी का, बी किसका फादर है, सी का, तो रिजल्ट क्या देखना, एम्प्लाइज ए फादर ऑफ सी, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। या सपोज ये क्या आ गया, ए फादर है किसका, बी का, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ए, फिर सबसे छोटा कौन, देखो ये फादर है इसका और ये फादर है इसका, तो क्या ए सी का फादर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये देखिए ये फादर हो गया इसका और इसका सन क्या हो गया, सी, तो देखिए एक तरह ये हो गया ग्रैंड फादर, ये फादर और ये सन, और ग्रैंड फादर अपने, देखिए ये क्या है, ग्रैंड फादर है, अब ये आप देखिए ये क्या है, ग्रैंड सन हो गया, उसका फादर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स ये आपका ट्रांसलेशन नहीं है। और देखते हैं ए मदर ऑफ बी, ए किसकी मदर है, बी की, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बी मदर ऑफ सी, ऐसा पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, अब आपको देखना है बिलोंग्स टू ए मदर ऑफ सी, क्या ए सी की मदर हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। देखिए ए किसकी मदर है, बी की, अब बी किसकी मदर है, सी की, तो ए सी की मदर हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि ये समझिए ये आपकी होगी, एक तरह हिंदी में समझिए ये आपकी नानी हो गई,
ये मान लो इसकी मदर हो गई और ये क्या हो इसकी डॉटर हो गई। तो नानी जो होगी अपनी हिंदी पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो नानी है इसकी, अब क्या ये जो नानी है क्या इनकी मदर हो सकती है, नहीं हो सकती है। ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स ये आपका ट्रांसटेबलेशन नहीं है। तो ये आपको पता लग गया होगा कि ब्लड रिलेशन में कुछ भी आ जाए, फादर मदर सन डॉटर कुछ भी आ जाए, क्या सभी आ जाए, ब्लड रिलेशन ना तो आपका रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसटिव। अब नेक्स्ट आपका आएगा सेम लोकलिटी, सेम लोकलिटी। तो यहां से आपको क्या आएगा, देखिए ए एंड बी लिव इन इंडिया, ए और बी कहां रहते हैं इंडिया में, लॉन्ग पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बी एंड सी कहां रहते हैं, लिव इन इंडिया, ये भी पॉसिबल है। देखिए ए एंड बी कहां रहते हैं इंडिया में, बी एंड सी कहां रहते हैं इंडिया में, तो ए एंड सी भी कहां है, वो भी इंडिया होंगे, सीधी बात है, क्योंकि ए और बी दोनों इंडिया के पर्सन है, इंडिया में रहते हैं। बी एंड सी भी इंडिया के पर्सन है, इंडिया में रहते हैं, तो ए एंड सी भी क्या होंगे, इंडिया के पर्सन, इंडिया में रहते हैं। तो इट मीन्स सेम लोकलिटी अगर आपको आ गया तो आप समझ जाइए ये आपका ट्रांसटिव है। तो आपको देखते पता लग जाएगा, अगर आपको पैरेलल वाला केस आ गया तो आपको देखते पता लग जाएगा कि आपका ट्रांसटिबलेशन है। नेक्स्ट आपका परपेंडिकुलर वाला केस, कभी भी आपका ट्रांसटिव नहीं होता है। अगर आपका आएगा ग्रेटर देन लेस देन, ये हमेशा आपका ट्रांसटिव होता है। नेक्स्ट आपका डिविजल वाला, ये भी आपका ट्रांसटिव होता है। नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन, ये कभी भी ट्रांसटिव नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है सेम लोकलिटी, ये आपका ट्रांसटिव होता है। तो इस तरह से आपने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव के सारे केस पढ़ लिए हैं, बहुत ही ईजी है। देखो बहुत सारे आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, उनके क्वेश्चन आपको देखते पता लग जाएगा इसका आंसर क्या मिलने वाला है। और इतने मैंने केस इसमें पढ़ा दिए हैं कि इनसे बाहर केस कभी भी आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतने केस इनफ हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।